साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कैलाश हूं। साथियों अभी हम फिर वहां पर मौजूद है सावल देवी में, जो सावल देवी क्षेत्र में हाथी कैंप है, जहां पर एक हाथी की पिछले 15 से 20 दिनों से वो बैठा हुआ था, जिसको लगातार उपचार कर रहे थे इमरान खान जी। और जब एक बहुत बार हुई तो उन्होंने सरकारों से, कई एनजीओ से संपर्क किया, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। रुड़की से 35 जवानों की टीम ने हाथ बढ़ाए और हाथी को खड़ा करने की कवायद शुरू हुई और देर शाम हाथी को खड़ा कर दिया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर? सर हमारे साथ मौजूद है जो केयर टेकर हैं। सर क्या अपडेट है हाथी को लेकर? जो हमारा कल प्रयास था किस तरीके से लेटे हुए हाथी को खड़ा करने का, वो हमारा प्रयास कल सफल हो गया। लेटने से हाथी को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, सब चीज़ अफेक्ट होती है और हाथी अपने आप ही सरेंडर कर देता है लेटा रहता है। उसको हमें किस तरीके से खड़ा करना था, तो पिछले पैरों पे तो उसने अपना वजन ले लिया, अगले पैरों पे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो अपना वजन ले लेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथी खड़ा होने से ठीक हो गया, चलने लगेगा, नहीं। हाथी क्रिटिकल है, अभी भी कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन जो बाकी के फंक्शन, जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, उनको हम बचा सके हैं। और खड़ा करने से हमें उसका इलाज करने में आसानी हो जाएगी, उसके बाकी फंक्शन जो है काम ठीक करने लगेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो उसके वूंड्स हुए हैं, जो उसके पैरों में इन्फेक्शन है, उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। हम यहाँ पर रख के तो हाथी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तो हमने जब तक रखा है जब तक ये इस काबिल नहीं हुआ है जाने के, जिस दिन ये ट्रांसपोर्ट के लायक हो जाएगा, इसको हमें वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन का जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल है मथुरा में, वहाँ भेजना पड़ेगा और वहीं जाके इसका इलाज संभव है। सर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा क्या इसकी अनुमति आपको मिल गई है? अगर ये सही होता है तो हमें इसकी अनुमति, हमें इसको अनुमति मिल गई है। और अनुमति हमको जब मिली है उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये लेट चुका था, और लेटे कंडीशन में हाथी को 12 घंटे के सफ़र कराना रिस्क से भरा था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम इसको, अनुमति हमारे पास है, हम इसका यहीं पर इलाज करेंगे। जो फैसिलिटीज़ हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं वो हमने क्रिएट की, और अब इसको जब ये खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि हमें एक महीना लग जाए इसको काबिल करने में कि वो खड़ा होकर जाए, लेकिन हाथी खड़ा होकर ही ट्रांसपोर्ट होता है, लेट के ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इन्फेक्शन हुआ था उसके पैरों में, क्या इन्फेक्शन है? फ्रैक्चर भी बता रहे हैं कि फ्रैक्चर एक्चुअली ऐसा है कि जब ये हाथी बचपन से इसके अंदर एक बीमारी थी, इसके कोई डिफेक्ट था इसके राइट लेग में, राइट फोर लेग में। हाथी और घोड़ा, और चाहे वो कोई भी जीव हो, जिनका वजन 60% वजन जिनका आगे वाले पैरों में आता है, उसका अगर अगला एक भी पैर खराब हुआ या उसमें वो कम वजन दे पाया, तो बाकी के पैरों पे सारा वजन डिस्ट्रीब्यूट करता है हाथी। तो बाकी के पैरों पे सारा वजन डिस्ट्रीब्यूट करने में, अब ये इसकी उम्र 33 साल है, 33 साल से वही काम चल रहा है, तो धीरे धीरे इसके अंदर इन्फेक्शन शुरू हुआ। अब जब आगे वाले उल्टे पैर में जब इन्फेक्शन हुआ तो हाथी खड़े होने लायक नहीं रहा, वो इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर किस्म का हुआ। जब तक हमको वो पता चला तब तक हाथी की हालत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, और जैसे ही हमको कॉबर्ट पार्क के सीनियर वेटनेरियन दुष्यंत साहब ने कहा कि इसको तो SOS भेजना है, तो हमने इमीडिएटली SOS को फ़ोन किया, और वहाँ से नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स बेसिकली उनकी टीम आ गई, उन्होंने यहाँ पे आके इलाज शुरू कर दिया। फिर हमने बहुत प्रयास किया इसको खड़ा करने का, हर तरह से इसकी हमने जो इसका लेटने का तरीका था, कभी सीधी करवट से, कभी उल्टी करवट से, ताकि इसको बेड शोर कम से कम हो और ऑर्गन्स कम हो। फिर हमें लगा कि हम हिम्मत हार रहे हैं, लेकिन आप सबकी दुआएँ थी, सब जगह सबकी दुआएँ हो रही थी, मंदिरों में, मस्जिदों में, मुझे कॉन्फिडेंस था और वाइल्ड लाइफ SOS के लोगों को कॉन्फिडेंस था। इंडियन आर्मी के जो बंगाल सैपर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ा, इमीडिएटली बंगाल सैपर्स की टीम जो है रुड़की से आ गई, और 35-40 आदमियों ने यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करने के बाद एक स्ट्रक्चर खड़ा करा, और चेन पुली के सहारे हम हाथी को कल शाम खड़ा करने में सफल हो गए। अब उस खड़ा रहने से उसका इलाज भी संभव है, उसकी कंडीशन बेटर होने की पूरी पूरी आशाएँ हैं, वो खा पी भी रहा है, उसका यूरिन और उसका मल बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गया है, हाथी अपने आप में कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है, हाथी से बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ कि हाथी की लाइफ बढ़ गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्वस्थ क्रिटिकल। तो अभी सर हमारे सामने सबने बताया कि हाथी की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन हाथी को पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्लिंग के जरिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, स्ट्रक्चर के जरिए सेना के जवानों द्वारा देर शाम जो हाथी है मोती, उसको खड़ा कर दिया गया है। हालांकि अभी मोती है, अभी भी उसका स्वास्थ्य में कोई ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो SOS मथुरा की टीम आई हुई है, वो लगातार निगरानी कर रही है, उसका उपचार कर रही है। और आपको बता दें कि जो सेना के जवान है वो हाथी को खड़ा करके आज वापस रवाना हो गए हैं। मोती जो हाथी है उसके स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए भी आप बने रहिए हमारे साथ।
थोड़ा सा रुका। और ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए मुल्ला जी, यहाँ परेशानी हुई, सबके अपने काम दिखाई दे रहे हैं। चलो यार तुम बैठो, अरे यार तो मुझे भी पता था, तुमसे भी ये कहा था कि तुम बाकी बचे हैं वो ले जाना, आप भी मिलेगा वो ले जाएगा। जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।